बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, आज हमारा टॉपिक है साइनेप्स। देखो बेटा साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स दो न्यूरॉन के दरमियान में कनेक्शन होता है। ये एक साइटोप्लाज्मिक गैप होता है जिससे एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन को जो है बेटा वो ट्रांसफर हो जाता है। अब ये किस तरीके से होगा, ये सारी बातें जो है बेटा वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखें साइनेप्स हमेशा एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड के दरमियान में होता है, ठीक है ना। एक का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइड होता है, इस तरीके से ये कुछ कनेक्शन होता है। फिजिकली ये कनेक्टेड नहीं होता बल्कि इनके दरमियान में गैप होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। आप ये देखें, ये लिखा भी हुआ, ये वो गैप है, यहां से लेके यहां तक का ये जो गैप होता है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। ये हमेशा एक्सॉन और डेंड्राइड के दरमियान में होता है, डेंड्राइड और डेंड्राइड के दरमियान में, डेंड्राइड प्लस डेंड्राइट, इसी तरीके से सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट, इसी तरीके से सेल बॉडी प्लस एक्सॉन, इनके दरमियान में साइनेप्स नहीं होता, ठीक है ना। ये साइनेप्स नहीं करते, साइनेप्स हमेशा एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान में ही बनता है। तो साइनेप्स में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है उससे जो पहले वाला जो न्यूरॉन होता है ये इसको प्री साइनेप्टिक सेल या प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कह सकते हैं। जो बाद वाला होता है उसको पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक एक निशानी ये होती है कि उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, प्री साइनेप्टिक पे रिसेप्टर नहीं होते। ये डॉकिंग प्रोटीन आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आपने नहीं करनी, ठीक है ना बेटा। दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये लेबल किए। आप देख रहे हो कि इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है बेटा वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो कि बेटा मैसेज को कन्वे करेंगे। ये केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं। इनके थ्रू एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में बेटे जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अब देखें यहां पे 7 स्टेप लिखे हुए। सबसे पहला स्टेप देखें, आप पढ़े, पहला स्टेप है कि एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नोब में आएगा। ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है साइनेप्टिक नोब में, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कैल्शियम परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब कैल्शियम परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, कैल्शियम के गेट्स ओपन हो जाते हैं। ये कैल्शियम के गेट आप देखें दूसरे स्टेप में ओपन किया हुआ है। तीसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, कैल्शियम आयन अंदर आ जाएगा। कैल्शियम आयन जो है ना अंदर जो साइनेप्टिक नोब है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। ये कैल्शियम आयन मोबिलाइज करेगा, एक्टिवेट करेगा साइनेप्टिक वेसिकल्स को कि वो यहां पर आकर जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां पर आकर अटैच हो जाए, और इसी कैल्शियम की वजह से बेटे जो है ये जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ये एक्सोसाइटोसिस हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर की, साइनेप्टिक वेसिकल्स ब्रस्ट हो जाते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम आयन, ब्रस्ट हो जाएंगे। और बेटा जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और फिर ये जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है यहां पर आकर अटैच हो जाएंगे। जब एक न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकलकर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाता है तो एक्शन पोटेंशियल शिफ्ट हो जाता है, और एक्शन पोटेंशियल शिफ्ट होने की जिम्मेदारी इसी न्यूरोट्रांसमीटर के। ये क्या करता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां पर सोडियम गेट्स को ओपन करेगा। बेसिकली ये थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो रहा है एक से दूसरे न्यूरॉन में ताकि नर्व इंपल्स एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, एक्शन पोटेंशियल जो है वो शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना बेटा। इस पूरे ये जो सिस्टम है इसको पूरे को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, हर पार्ट शामिल होता है, इवन न्यूरोट्रांसमीटर भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखने, ये 7 स्टेप्स के अंदर जो है ये सारा फंक्शन जो है बेटे ये परफॉर्म होता है। आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है बेटा वो केमिकल्स है, केमिकल मैसेंजर्स है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है बेटा वो कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे किस्म के हैं, जैसे एपिनेफ्रिन है, इसको एड्रेनालिन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनालिन भी कहा जाता है, एड्रेनालिन। ये हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इसी तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन है जिसको नॉन एड्रेनालिन भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। नॉर ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। दीज आर ऑल्सो द न्यूरो ट्रांसमीटर। इसी तरीके से सेरोटोनिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर बड़ा मशहूर है, ठीक है ना। अल्लाह करे आप एमबीबीएस डॉक्टर बने, ठीक है ना, तो आप ये पढ़ोगे कि इसका ब्रेन के ऊपर बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट फैक्टर होता है इसका, ठीक है ना। सेरोटोनिन आ गया, डोपामिन होता है,
ये बड़ा मशहूर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और फिर इसी तरीके से एसिटाइल कोलिन ये एक्साइटेटरी होता है, ठीक है ना। बाकी तमाम न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, सिर्फ सीएनएस में पाए जाते हैं, लेकिन ये एसिटाइल कोलिन मसल्स में भी होता है ना। आपने देखा था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये वर्क कर रहा था, तो ये मसल्स में भी वर्कआउट करता है। तो ये सिर्फ अकेला न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बेटा दिमाग के अलावा, सीएनएस के अलावा भी आउटसाइड द सीएनएस जो है ये पाया जाता है। अच्छा, अब अगला जो हमारा बड़ा जो है बेटा वो छोटा सा टॉपिक है, वो है जो है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एक्शन को डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड, और जो पाथवे नर्व इंपल्स का फॉलो होता है, जो पाथवे फॉलो करके मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड को, फिर अफेक्टर के थ्रू जो है बेटा ये ऑर्डर आएगा, ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। इस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ये एक स्पॉन्टेनियस अमल होता है। यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड रिसेप्टर से मैसेज लेती है, ब्रेन को पहुंचाती है, ब्रेन से जो है बेटा वो जो है वो आया मोटर न्यूरॉन ऑर्डर आते हैं और अफेक्टर तक पहुंचाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का काम। लेकिन एमरजेंसी के केस के अंदर ऐसा होता है, एमरजेंसी के केस के अंदर ऐसा होता है बेटे के जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खुद से ही ऑर्डर जो है वो रिप्लेस कर देती है, खुद से ही ऑर्डर जो है बेटा वो जारी कर देती है। मसलन जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हाथ को पीछे फौरन खींच लेते हैं, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड दो काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड खुद से ही अफेक्टर्स को ऑर्डर दे देती है कि हाथ पीछे खींच ले, साथ ही दिमाग को भी पैगाम चला जाता है, ठीक है ना, साथ ही दिमाग को भी। उसके बाद आपको फौरन जो पेन की फीलिंग महसूस होती है, बेसिकली वो ब्रेन का इफेक्ट होता है, ब्रेन को पता चल चुका होता है कि आपको जो है वो मतलब कोई छोटी मोटी इंजरी का चांसेस था। तो ये जो एक्शन होता है दिस विल कॉल अ रिफ्लेक्स एक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो कि हमारा ब्रेन में जो है बेटा ये रिफ्लेक्सेस जो है ये मिडोला ऑब्लोगेंटा के कंट्रोल में होते हैं। ब्रेन में जो रिफ्लेक्स, जैसे आईज का लाइट पड़ने के बाद ऑटोमेटिकली आईलिड्स का क्लोज हो जाना, ठीक है ना, आपके हार्ट का मूवमेंट, आपकी ब्रीदिंग मूवमेंट, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। ये ब्रेन में आपका जो है वो मेडुला ऑब्लोगेंटा कंट्रोल करता है। अदरवाइज ये जो फिजिकल जो एग्जांपल्स हैं ये वाली, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा ये कंट्रोल करता है। चल उसके बाद जो है बेटा थोड़ा सा हार्मोनल पार्ट है वो भी मैं जो है वो इसी लेक्चर के दौरान आपको करवा देता हूँ। हमने यहां पर जो है बेटा वो पढ़ना है, सिर्फ एक ग्लैंड इसके अंदर है जो कि है पेनक्रियास। आपको पता होना चाहिए कि पेनक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है, ये एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। पेनक्रियास जो है ना भैया, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन भी। हमने एंडोक्राइन आप जानते हैं विदाउट डक्ट होता है, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ना उसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन कहा जाता है। इसका एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है ना बेटा वो पेनक्रियाटिक जूस पैदा करता है, पेनक्रियाटिक जूस। वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, पेनक्रियाटिक वाया डक्ट ये ड्यूडिनम में ओपन होता है, वाया पेनक्रियाटिक डक्ट ये ड्यूडिनम के अंदर ओपन हो जाता है। हमने जो चीज डिस्कस करनी है बेटा वो हमने डिस्कस करनी है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन जो कि इसका एंडोक्राइन पार्ट है। अगर हम इसके एंडोक्राइन पार्ट को देखें तो बेसिकली इसमें तीन तरह के सेल होते हैं, इससे ज्यादा टाइप भी है सेल की, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो दो टाइप पर रहेगा, अल्फा और बीटा। अल्फा जो है आप जानते हो कि वो ग्लूकागन प्रोड्यूस करता है, और बीटा सेल जो होते हैं बेटा ये इंसुलिन पैदा करते हैं। ये किस तरीके से वर्क करते हैं ये मैं आपको सेल भी दिखा देता हूँ, आप सेल देख सकते हो, ये बीटा सेल है, ये अल्फा सेल है, हमारा कंसर्न भी इन्हीं के साथ है। ये डेल्टा सेल होते हैं, ये सोमेटोस्टेटिन पैदा करते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी आपने इसको एज इट इज याद नहीं करना। हमारा मेन कंसर्न ये दो सेल है। देखो बेटा आप जानते हो कि बीटा सेल जो होता है, बीटा सेल, ये बीटा सेल्स इंसुलिन पैदा करते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब इंसुलिन का जैसे यहां लिखा हुआ है कि फंक्शन क्या होता है, ये समझने वाली बात है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करते हैं। देखो बेटा ये जो ब्लड ग्लूकोज होता है ना, ब्लड में ग्लूकोज आता है खाने से, इंसुलिन बेसिकली ब्लड ग्लूकोज को एंटर करवाती है टिश्यू के अंदर, ये बन जाता है टिश्यू सेल के अंदर एंटर कराता है, ये बन जाएगा टिश्यू ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। तो इसी वजह से लिखा जाता है कि ये जो इंसुलिन होती है दिस विल इन्वॉल्व इन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज।
ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को जो है बेटा ये इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज करेगी? ब्लड से ग्लूकोज को टिश्यू के अंदर डाल देगी। जब टिश्यू के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा तो टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होगी और ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगा। ये इंसुलिन का जो है ये मेजर वर्क होता है। तो बेसिकली इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है बेटा लोअर ब्लड ग्लूकोज कम करती है खून में ग्लूकोज। एक तो उसकी यूटिलाइजेशन होगी को बढ़ा दिया, दूसरा जो है बेटा उसको स्टोरेज में कन्वर्ट कर देते। ऐसे अगर आपको अगर जरूरत नहीं है तो ग्लूकोज को स्टोरेज में बदल देगी। अब स्टोरेज में पहला ऑप्शन उसका ये होगा कि इसको जो है बेटा वो ग्लाइकोजन में बदल दे, ग्लाइकोजन में। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये होता है कि इसको ग्लाइकोजन के अलावा प्रोटीन में बदल दे। तीसरा ये होता है कि या तो उसको लिपिड्स के अंदर, ये सारे स्टोर फॉर्म में स्टोर हो सकता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, लिपिड्स की फॉर्म में। इन शॉर्ट इंसुलिन ने खून में ग्लूकोज को कम कर देना, ठीक है ना। ये ब्लड ग्लूकोज को जो है बेटा वो इस तरीके से रेगुलेट करती है। अब जब इंसुलिन की होती है डेफिशिएंसी, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, उसकी कमी हो गई है, तो डेफिनेट सी बात है जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज जो लेवल होता है ना, वो बेटा रेज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा, जिससे बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये आपकी बॉडी को आहिस्ता 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 अंदर से डैमेज कर रहा होता है और अल्टीमेटली बंदे की डेथ का सबब बनता है। हमारे यहाँ हकीम लिखते हैं कि जनाब शुगर का शर्तिया इलाज, शुगर 100% खत्म। बेटा ये एक बैलेंस होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से एडजस्ट है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर इसको एडजस्ट करने में आपको मेहनत लगेगी। ठीक हो जाएगी, ठीक रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आप इसको बैलेंस रखोगे। जिस दिन आप बद परहेजी करोगे, जिस दिन आप डोज नहीं लोगे, मेडिसिन नहीं लोगे, उस दिन ये फिर चेंज हो जाएगा बैलेंस, फिर बिगड़ जाएगा। तो इस बैलेंस को फिर आपको खुद एडजस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल जो है बेटा वो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा था कि जनाब ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो जाएगा जब इंसुलिन कम हो जाएगी। जब बीटा सेल्स जो है बहुत ज्यादा, अगर आप मीठा खाते हो ना तो बीटा सेल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है। ज्यादा काम करने की वजह से बीटा सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और विद द पैसेज ऑफ एज बीटा सेल कम हो जाते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये जेनेटिकल भी है कि जेनेटिकली जो है बेटा आपके पास अगर उसका जीन है तो भी बीटा सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, जिससे जो है वो इस शुगर होने का चांस होता है। इसको डायबिटीज मेलिटस बीमारी को कहा जाता है। फिर जो शुगर का बंदा जो होता है ना, क्योंकि उसके ब्लड में ग्लूकोज होता है, उसको बहुत सारे नुकसान होते हैं, उसका ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाता है। जो उसका ऑस्मोटिक बैलेंस होता है ना, वो हो जाता है डिस्टर्ब, जिसकी वजह से उसको एक्सेस यूरिनेशन होती है, बहुत ज्यादा उसको पेशाब आता है, ठीक है। और फिर उसके ना साथ ही हीलिंग सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज होने से उसके हीलिंग सेल कम हो जाते हैं जो जख्म को ठीक करते हैं। यही वजह है कि जिनको शुगर होती है उनका जख्म ठीक नहीं होता, क्योंकि हीलिंग सेल कम हो रहे हैं, हीलिंग सेल नहीं प्रॉपर बन रहे, क्योंकि ग्लूकोज ने उनकी जगह को कोई ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा, शुगर एक तो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, एक और चीज होती है उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? मतलब ये ऐसा बंदा इंसुलिन पैदा कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी में जो इंसुलिन पैदा हो रही है वो वर्क नहीं कर रही, वो ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यू में ऐड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही ब्लड से टिश्यू में ऐड? क्योंकि टिश्यू के ऊपर एक चिकनाई की एक मोटी तह बन चुकी है। जो ओबीस पर्सन होते हैं, मोटे बंदे होते हैं, उनमें टिश्यूज के ऊपर चिकनाई की एक मोटी तह आ जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन वहां वर्क नहीं करती। इंसुलिन प्रोटीन है फैट को ये क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो डेट्स वाई ये ग्लूकोज को ऐड नहीं कर पाती। तो फिर उसको इसके इलाज के तौर पर फिर मरीज को कहा जाता है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, तो ये प्रॉब्लम आपका काफी हद तक जो है बेटे वो सॉल्व हो जाएगा। चलो अब ग्लूकागन पर आ जाते हैं। ग्लूकागन आपको पता है कि अल्फा सेल पैदा करता है। ग्लूकागन का क्या काम होता है कि जब आप फास्टिंग में होते हैं, मतलब जब आपने खाना नहीं खाया हुआ, आप फास्टिंग की कंडीशन में है, उस वक्त ग्लूकागन जो है जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज है, से वो ग्लाइकोजन की शक्ल में, ठीक है ना, प्रोटीन की शक्ल में, वो लिपिड्स की शक्ल में, तो इसको ना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, सॉरी ग्लूकोज में।
ग्लाइकोजन का काम ये होता है कि बेटा स्टोर्ड ग्लूकोज को ये जो है बेटा कन्वर्ट करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन था, लिपिड या प्रोटीन थे, उनको ब्रेक करेगा और उनको ग्लूकोज बना देगा, ताकि फास्टिंग कंडीशन में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी को ये फुलफिल कर देता है। इसके कोई खास प्रॉब्लम नहीं होते, ये इतना ज़्यादा जो है मतलब इंसुलिन की तरह का इसका जो है बेटा इसकी जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन इसको परफॉर्म नहीं करना पड़ता, मोस्टली हम जो है वो खाते पीते रहते हैं। तो वर्किंग बहरहाल इसकी है, लेकिन इसकी इतनी कोई खास डिजीजेज जो है वो नहीं पाई जाती, ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ये स्मूदली वर्क करता रहता है, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज जो है बेटा ये ब्लड के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। चले यहाँ पर हमारा टॉपिक मैं यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। आपके जहन में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप बेटा ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।